ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार ये बड़ी कवरेज जेबीपी गंगा पर जारी है। उत्तराखंड का सियासी घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो क्या मोड़ ले रहा है, मतगणना में नतीजे क्या आ रहे हैं ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो दो राज्य हैं और दोनों ही राज्यों में सियासी टेम्परेचर इस वक्त हाई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए इस वक्त पारा आसमान पर है, तो वहीं पर उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना आपके लिए बाकी है। शपथ ग्रहण कब होगा, इसके अलावा नए मंत्रिमंडल में किसके चेहरे शामिल होंगे, वहीं यूपी में किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। संभल में अब नतीजा आ चुका है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का, और यहाँ पर भाजपा ने बाजी मार ली है, यानी भाजपा यहाँ पर जीती है। भाजपा की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। 9 वोट से अनामिका यादव ने जीत दर्ज की है। तो संभल में भाजपा की अनामिका यादव जीती है और समाजवादी पार्टी की प्रीति यादव को सिर्फ 13 वोट ही मिले हैं। तो संभल की सीट पर भी भाजपा ने कब्जा कर लिया है। और टैली पर आप नजर डाल लीजिए, 63 सीटों में से भाजपा ने जीत हासिल कर ली है, जबकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल संभल का ये नतीजा आपको बता रहे हैं। संभल में भी भाजपा प्रत्याशी अनामिका यादव ने जीत हासिल की है, 22 वोट उन्हें मिले। और आजम खान के गढ़ में भी भाजपा ने अपना दबदबा बना लिया है। भाजपा उम्मीदवार ख्याली राम लोधी ने जीत दर्ज की है। 19 सदस्यों के समर्थन के साथ ख्याली राम लोधी जीत गए हैं। कांग्रेस के 2 सदस्यों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। सपा की नसरीन जहां को केवल 13 सदस्यों का समर्थन ही मिल पाया, तो यहां पर भी भाजपा ने अपना दबदबा बना लिया है। आजम खान के गढ़ में एक बड़ी सेंध लगी है। भाजपा उम्मीदवार ख्याली राम लोधी ने जीत दर्ज कर ली है। 19 सदस्यों के समर्थन के साथ ख्याली राम लोधी जीत गए हैं और कांग्रेस के 2 सदस्यों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं सपा की नसरीन जहां को केवल 13 सदस्यों का समर्थन मिला। और आप टैली देखिए, बीजेपी 62, सपा 6, कांग्रेस 0 और निर्दलीयों के खाते में 3 जिला पंचायत अध्यक्ष गए। और इस वक्त बरेली से भी बड़ी खबर मिल रही है। बरेली में भी भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। भाजपा की रश्मि पटेल को 40 वोट मिले हैं और समाजवादी उम्मीदवार को सिर्फ 19 वोट मिले हैं, यानी बरेली सीट पर भी कब्जा कर लिया है भाजपा ने। यहां पर भी भाजपा की उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। भाजपा की रश्मि पटेल को 40 वोट मिले। और शामली से बड़ी खबर है। शामली में भाजपा की मधु गुर्जर ने जीत दर्ज की है। सपा की अंजलि को भाजपा की मधु गुर्जर ने हराया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी सेंध लगी है। जैसा कि तमाम राजनीतिक दिग्गज और सियासी दल कह रहे थे कि एक झटका जरूर यहां लग सकता है किसान आंदोलन की वजह से, लेकिन कम से कम जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में वो चीज सामने नहीं आ रही है। और शामली में भी भाजपा की मधु गुर्जर ने जीत दर्ज कर ली है। सपा की अंजलि को भाजपा की मधु गुर्जर ने हराया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर अलीगढ़ से मिल रही है। अलीगढ़ में भी सपा रालोद को झटका लगा है। भाजपा के विजय सिंह की यहां पर जीत हुई है। विजय सिंह के समर्थन में 38 वोट कुल पड़े। सपा रालोद की अर्चना को मात्र 8 वोट मिले हैं। तो लगातार भाजपा का जो दबदबा है वो इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखने को मिल रहा है। और अब अलीगढ़ में भी भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। और बड़ी खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में भी भाजपा की हर्षिता सिंह जीत गई हैं। भाजपा की हर्षिता को 18 वोट मिले, जबकि सपा की रुचि यादव 12 पर ही सिमट गई। 6 वोट से भाजपा की जीत हुई है और 3 वोट यहां पर निरस्त हो गए, इनवैलिड हो गए। तो फिरोजाबाद में भी भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है और हर्षिता सिंह यहाँ की नई जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ली गई।
और एक और बड़ी खबर कासगंज से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और भाजपा समर्थित रत्नेश कश्यप ने सपा के समर्थित प्रत्याशी को हरा दिया है। भाजपा की रत्नेश कश्यप को 14 वोट मिले हैं जबकि सपा के समर्थ यादव को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। यानी समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से धूल चिटा दी है भाजपा ने इन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों। और बड़ी खबर प्रयागराज से, कांटे की टक्कर यहां पर भी थी लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर वीके सिंह ने जीत हासिल कर लिया। 18 वोट से जीत मिली बीजेपी के वीके सिंह को, 51 वोट मिले जबकि समाजवादी पार्टी की मालती यादव केवल 34 वोटों पर सिमट गई। प्रयागराज में कुल 84 जिला पंचायत सदस्य हैं और यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। और अगली बड़ी खबर सोनभद्र से, आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतगणना पूरी हो चुकी है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर राधिका पटेल जीती हैं जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं। 19 वोट राधिका पटेल को मिले जबकि सपा समर्थित प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट ही मिले हैं। अपना दल है और भाजपा की समर्थित प्रत्याशी हैं राधिका पटेल, जिन्होंने हरा दिया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सोनभद्र से बता रहे हैं जहां पर कब्जा किया है भाजपा ने। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी ने जीत दर्ज की है। जिला पंचायत चुनाव के दौरान भी उनकी पार्टी ने चौंकाया था और यहां पर परिणाम पूरी तरीके से बदल गए, हर दल को झटका लगा है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी की जीत हुई है। राजा भैया की पार्टी ने जिस तरीके से एक बड़ा मैंडेट पंचायत चुनाव में पाया था, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाने में सफल रहे हैं राजा भैया और प्रतापगढ़ में उनका जलवा बरकरार है। जनसत्ता दल की प्रत्याशी की जीत हुई है प्रतापगढ़ में राजा भैया का जलवा बरकरार है और जनसत्ता दल जो उनका है, उस दल के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को जीत लिया है। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने जीत हासिल की है। बिल्कुल, और मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मोइन, देखिए एक बार फिर से राजा भैया की पार्टी ने चौंका दिया है और कब्जा कर लिया एक सीट पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी प्रतापगढ़ में ठीक वैसा ही हुआ है। कुल 57 वोट थे जिनमें से 51 वोट पड़े थे और राजा भैया की पार्टी के जो उम्मीदवार थी माधुरी पटेल, उनको 40 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 वोट मिले हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी है उसे सिर्फ 3 वोट मिला है। तो करारी हार का सामना प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जानबूझ करके राजा भैया की पार्टी को वॉकओवर दिया है, जीतने का मौका दिया है ताकि विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। तो जो कुछ आज पूरे दिन सियासी स्टंट चला था, सियासी पैंतरेबाजी देखने को मिल रही थी, उसके बाद इसी तरह के नतीजे की उम्मीद की जा रही थी और यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो राजा भैया की। बिल्कुल, शुक्रिया मोहिन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा को एक तरफा और बड़ी जीत मिली है। 75 में से 65 जिला पंचायतों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। समाजवादी पार्टी को केवल 6 सीटें मिली हैं और अन्य और निर्दलियों को 4 जिलों में जीत मिली एक सीट पर। जनसत्ता दल जो कि राजा भैया का दल है उसने भी जीत हासिल की है। तो यूपी में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो गया, भाजपा को एक तरफा जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है। 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में 65 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा ने बना लिए हैं, समाजवादी पार्टी केवल 6 पर ही सिमट गई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त की और बड़ी खबर यही है कि भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया है समाजवादी पार्टी को क्योंकि 75 में से 65 सीटों पर कब्जा किया है। 6 सीट कुल समाजवादी पार्टी जीत पाई है और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस चुनाव को विधानसभा 2022 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और इस सेमीफाइनल में तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, 65 सीटों पर जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो सिर्फ 6 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत पाई है और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो तमाम सियासी समीकरणों के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों में से, देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटें और 75 सीटों में से 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है जबकि समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। सिर्फ 6 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी सिमट कर रह गई।
तो जो मिथक है जिला पंचायत चुनाव के और जो इतिहास है जिला पंचायत चुनाव के कि सत्ताधारी दल एक बड़ी जीत हासिल करता है, तो इतिहास बरकरार है और 75 में से 65 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। 75 में से 65 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बन गए हैं। हालांकि जब पंचायत चुनाव हुए थे उस वक्त परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं थे, लेकिन बाद में जो निर्दलीय किंग मेकर बने उनको साधकर और तमाम जो राजनीति की बारीकियां होती उनको साधते हुए बीजेपी ने एक बड़ा मैंडेट अपने पक्ष में हासिल किया है। 75 में से 65 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बन गए हैं और ऐसे ही दावे भी किए गए थे। समाजवादी पार्टी केवल 6 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना था कि वो बहुत ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करेंगे, वो 60 के आंकड़े को पार करेंगे फिर से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अन्य और निर्दलीयों को 4 जिलों में जीत मिली है। और एक और बड़ी खबर, बुंदेलखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। बुंदेलखंड की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, यानी किसी और दल को मौका ही नहीं दिया है। हमीरपुर, जालौन और महोबा में विरोधियों को हरा दिया है, यानी विरोधियों का सफाया कर दिया है। बांदा, ललितपुर, झांसी और चित्रकूट सीट पर भी भाजपा ने कब्जा कर लिया है। और ये है ओवरऑल अपडेट, ये है पूरी तरीके से जो नतीजे सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 65 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटों को ही जीत पाई है और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आई है, यानी यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाई है। और ये उत्तराखंड से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें, जहां पर उत्तराखंड के भावी सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफिला पहुंच चुका है और अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से उनकी मुलाकात होगी। वो सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे और फिर उसके बाद समय निर्धारित होगा, समय सामने आएगा कि कब शपथ लेनी है पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर। तो पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच गए हैं राजभवन, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या दोनों पूर्व सीएम की बात करें, जितने भी बड़े नेता हैं वो पहुंच गए हैं। और प्रक्रिया संवैधानिक तौर से ये है कि पुष्कर सिंह धामी प्रस्ताव देंगे राज्यपाल को, जो 56 विधायक हैं उनकी लिस्ट सौंपी जाएगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को और बताया जाएगा कि हमारे पास बहुमत है, हमें सरकार बनाना है। और उसके बाद ये तय होगा कि क्या समय होगा शपथ ग्रहण का। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि राजभवन पहुंच गए हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल को सरकार बनाने का प्रस्ताव देंगे, विधायकों की लिस्ट उन्हें सौंपी जाएगी और उसके बाद शपथ ग्रहण का वक्त तय होगा। और शपथ ग्रहण होगा तो ये एक नया अपडेट है, और नया अपडेट ये कि पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं राजभवन तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ और यहाँ पर वो सरकार बनाने का प्रस्ताव देंगे और शपथ ग्रहण का वक्त भी यहीं से तय हो जाएगा, यहीं से सामने आ जाएगा कि शपथ ग्रहण किस वक्त पर होना है। उत्तराखंड से लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर, फिरोजाबाद से, जहां हार के बाद सपा प्रत्याशी के आंसू छलक गए। सपा की रुचि यादव को सिर्फ 12 वोट ही मिल पाए, जबकि भाजपा की हर्षिता को 18 वोट मिले। 6 वोट से भाजपा की जीत हो गई, 3 वोट निरस्त हो गए। देखिए आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है सपा प्रत्याशी जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है और अपनी हार से वो इतनी व्यथित हो गई कि उनके आंसू छलक पड़े और वो मीडिया के सामने रोती हुई नजर आई है। 6 वोटों से हारी है ये प्रत्याशी, 6 वोट से भाजपा की जीत हुई है। आपको बता दें सपा की प्रत्याशी है ये रुचि यादव, जिनको सिर्फ 12 वोट मिले हैं, जबकि जो भाजपा की प्रत्याशी हर्षिता है उन्हें 18 वोट मिले हैं, यानी कुल 6 वोटों से जीत और हार का जो फैसला है वो आया है। 6 वोट से जीती हैं भाजपा की प्रत्याशी और 3 वोट ऐसे रहे जो कि निरस्त हो गए। अपनी इस हार के बाद आंसू छलक गए सपा प्रत्याशी रुचि यादव के, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और फिरोजाबाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ पर भी मैनपुरी की तरह ही ये मुमकिन कम लग रहा था कि बीजेपी कोई कमाल कर पाएगी, और शायद यही वजह है कि आंसू छलक गए, क्योंकि ये भी अप्रत्याशित परिणाम है। फिरोजाबाद में हार के बाद सपा प्रत्याशी के आंसू छलक गए, सपा की रुचि यादव को केवल 12 वोट ही मिल पाए, भाजपा की हर्षिता को 18 वोट मिले, 6 वोट से भाजपा जीत गए जबकि 3 वोट निरस्त हो गए। तस्वीरें देखिए, पूरी उम्मीद थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को, पूरी समाजवादी पार्टी को कि जीत होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
क्या शिकायत थी? मेरे कैंडिडेट को दूसरे रास्ते से अंदर लेके गए, फिर भी मैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। नतीजे घोषित होने के बाद सपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर कुर्सियां फेंक दी हैं। पुलिस वालों ने भी जमकर लाठीचार्ज किया है। तो बड़ा सियासी घटनाक्रम, कई सपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प लगातार जारी है। ये देखिए तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया है, क्योंकि सपा कार्यकर्ता यहां पुलिस से ही भिड़ गए और पुलिस पर कुर्सियां उठाकर फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और आप देखिए सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस आपको लाठी भांजती हुई नजर आ रही होगी। दौड़ा दौड़ाकर सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है। तो प्रयागराज जहां पर जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर चुनाव मतगणना होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना जो गुस्सा है वो पुलिस पर निकाल रहे हैं, और पुलिस के सामने कुर्सियां फेंकी गई, पुलिस पर कुर्सियां फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और इस बीच यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर तो हम बने हैं, लेकिन राजभवन पहुंच गए हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से उनकी मुलाकात हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा राज्यपाल के सामने और उसके बाद शपथ ग्रहण का वक्त तय होगा। तो उत्तराखंड में भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, और दोनों ही जगहों पर सियासत इस वक्त हाई वोल्टेज है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर और उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर।